कि जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर आपकी मांगों को उचित सरकार तक पहुंचाने का प्रयास मैं निश्चित रूप से करूंगा, ये विश्वास आप रखें। पिछले समय महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में मुझे मौका मिला और उस समय स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय हमने तैयार किया और मुझे ये कहते हुए खुशी है 2014 से लेकर 2022 तक महाराष्ट्र में ओबीसी के हित के कुल मिलाकर 22 निर्णय हुए, सरकार के 22 निर्णय, उनमें से 21 निर्णय मुख्यमंत्री के रूप में मैंने लिए, आप कोई भी वहां पर देख सकते हैं। और लगातार चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे नौकरियों का विषय हो, चाहे हमारे बच्चों के लिए छात्रावास का विषय हो, चाहे हमारे बच्चों को फॉरेन स्कॉलरशिप देने का विषय हो, चाहे आईएएस आईपीएस का ट्रेनिंग देने का विषय हो, जो जो मांगे भवन राव जी आपने अपने अधिवेशन में की, वो सारी मांगों को सरकार के माध्यम से मंजूर करके हमने उस समय उसके शासन निर्णय निकाले। और मैं आपको फिर एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार आई है, ये सरकार निश्चित रूप से ओबीसी के हितों की रक्षा करेगी और ओबीसी के लिए जो निर्णय आपने अपेक्षित किए हैं वो निर्णय हम लेंगे। कुछ समय पहले जैसे ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की बात हुई थी तो मैंने नागपुर में ये कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा और अगर 4 महीने में ये ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण वापस नहीं आया तो राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, ये कहने वाला मैं व्यक्ति, और मुझे खुशी है और मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, सबने मिलकर प्रयास किया लेकिन ये ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण ये यहां पर वापिस आया और अभी उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है और आने वाले दिनों में वो करके हम निश्चित रूप से दिखाएंगे और ओबीसी समाज को न्याय मिले इसके लिए जो जो चीजें करने की आवश्यकता है वो की जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि वैसे तो देश के प्रधानमंत्री को कोई जाति नहीं होती, वो तो सबके होते हैं, लेकिन एक सहयोग है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी भी स्वयं ओबीसी है और ओबीसी की समस्याओं के बारे में जानते हैं। और जैसा कपिल पाटिल जी ने कहा, पहली बार देश में 40% मंत्री ये ओबीसी समाज से आज केंद्र के मंत्रिमंडल में है और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है जैसे ओबीसी के बारे में जो संवैधानिक दर्जा ओबीसी आयोग को देने की बात थी इसको मोदी जी ने पूरा किया, हमारे बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में डॉक्टर बनने के लिए आरक्षण नहीं मिलता था, कितने सालों से मांग थी, हम संघर्ष करते थे, बबन राव जी कितना संघर्ष हुआ, लेकिन उस मांग को भी आदरणीय मोदी जी ने पूरा किया। अब ऑल इंडिया कोटे में भी हमारे ओबीसी बच्चे देश में डॉक्टर बन रहे हैं और आगे भी मेरा विश्वास है कि ये सारी चीजें पूरी करने का काम ये हम लोग मिलकर करेंगे। भले ही हमारी पार्टियां अलग अलग हो लेकिन हम सब लोग मिलकर इस मंच के ऊपर ओबीसी हित के लिए एकत्रित आए हैं और मेरा विश्वास है कि ये जो सारी चीजें आपने रखी है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, अब कुछ मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है तो कुछ चीजें वो भी कहेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चाहे महाराष्ट्र हो चाहे देश हो, ओबीसी के हित में आपके नेतृत्व में जो काम चल रहा है, इस मंच के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, इस मंच के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग यहां पर काम करेंगे और आपके इन सारी बातों को आगे ले जाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। वैसे भी भवन राव जी इतने सालों से, क्योंकि आप नागपुर से आप जानते हैं, मैं स्वयं इतने सालों से नागपुर से लगातार जीतता आया हूं और आज राजनीति में 30 साल मुझे हुए हैं और इन 30 सालों में मैं इसीलिए बार बार विजयी हो पाया क्योंकि जहां से मैं चुनकर आता हूं वहां तो सारे ओबीसी है, ओबीसी लोगों ने ही देवेंद्र फडणवीस को बनाया है, देवेंद्र फडणवीस को वोट दिया है, देवेंद्र फडणवीस को चुनकर लाया है, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ओबीसी के सम्मान में जो भी चीजें हो उसमें हम पुरजोर ताकत के साथ उतरे। मैं आज के इस मौके पर आपको इतने आश्वस्त करना चाहता हूं हम सब आपके साथ में जो निर्णय आप करेंगे हमारी क्षमता के अनुसार
हम उन निर्णयों के पीछे खड़े होकर उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमें निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने आपसे निवेदन किया था कि मुझे जल्दी जाना है, आपने उसकी भी परमिशन मुझे दी, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।